2014 में मुझे पता पड़ गया था। 2014 अभी बिल्कुल ठीक होके जा रही हूँ। My name is Iris William and मैं यहाँ पे मैम डॉक्टर सुशीला सैनी मैम से मिलने आई थी एंड ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं मैम का ही मैंने वीडियो देखे थे मैंने को लगा एंड आई वॉज लाइक कि पता नहीं कि फर्स्ट क्लिक ही ऐसा हुआ कि मैं कहीं और भी नहीं गई मैं सीधा मैम के पास ही आई हूँ और मैम से ही मैंने बात किया एंड मैं पूरी तौर से कन्विंस हो गई थी कि जो है और वो मेरे बेटरमेंट के लिए ही है जो डिसीजन मैम ने मेरे लिए लिए थे और मैं उसके लिए बिल्कुल हैप्पी हूँ और अभी बिल्कुल ठीक होके जा रही हूँ। थैंक यू बिल्कुल ठीक। आपको कब पता चला कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं? मैम मेरे को एक्चुअली 2014 में मुझे पता पड़ गया था। 2014 yes, और 2014 में 2023 आ गया। मुझे वहाँ के जिन डॉक्टर्स को मैंने बताया था मैं उनके लिए मैं नहीं कुछ भी बोल रही ना ना बोलना बट उन्होंने उस टाइम पे यही था मैम कि वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं तो हम भी थे देन ये कोरोना टाइम पीरियड जब आया उस समय में से थोड़ी गलती हुई ये मेरी ही मिस्टेक है कि मैंने सोनोग्राफी इस्तेमाल कराई और शायद वो करा लेती तो शायद ये चीज इतनी नहीं बैठती मैं मैम से पहले ही डिस्कस कर लेती। पता तो मुझे था कि सिर्फ दो ही हैं जब बाद में पता पड़ा कि ये तो मल्टीपल है एंड ठीक है जो था बट उससे मैम सो हैप्पी मैम से बहुत हैप्पी एंड स्टाफ से बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी सबको यही बातें बोल रही हूँ कि हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था यहाँ पे आके कराने का। इट्स रियली वंडरफुल टाइम मतलब कि हमें लग ही नहीं रहा और मुझे सच में नहीं लग रहा मैम जो आपने कहा था मुझे ये बात कि सेकेंड डे आपको खुद ही बोलो क्योंकि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है शायद और सच में ऐसा लग रहा है मुझे आई एम सो गुड। मतलब मेरे को नहीं था मैं इतनी उम्मीद में भी नहीं थी कि मैं हर चीज में चाहे मैम वो आप हो चाहे यहाँ का लोग लोअर स्टाफ भी हो या ऑल हेल्प सबके सब और मैं सबको भी बोलूंगी अगर किसी को खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम हो बट अगर है तो डेफिनेटली यहाँ आके बात जरूर करनी चाहिए। यहाँ मुझे लगा कि बेस्ट प्लेस है ये कि आप अपने बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 100% you will be very much okay, very much free. Yes. No bleeding, no problem. You can take care yourself, your family and everyone. Because once you are healthy, then you can take care of your family. Definitely. All the women are just postponing their operation treatment because they are thinking that I have to care my husband, I have to care my children and everyone. But if you are not healthy, you are not taking care of your health, then how can you take care of others' health? Yes, ma'am. It's very important. Doctor ko sabse pehle khud healthy hona padta hai. Agar main bimar padi to how can you I do your operation? Right, ma'am. Simple. So you are doctor of your family. Bilkul, ma'am. Kyunki choti sardi, khaansi, zukam, bukhar sab mein aap hi unki dekhbhal karne wali hai. To aapko to na fit and fine soldier ho aap apne ghar ke. Bilkul, ma'am. Wahi hai. Aur nahi, ma'am. Main sach mein bahut ye dil se bol rahi hu, ma'am. Thank you. थैंक यू बहुत मैं सेटिस्फाइड होते जाऊंगी अब यहाँ से। चल बढ़िया धन्यवाद।